प्रैंक कॉल था। हाँ भाई तो बस ऐसे ही पूछ रहा था दी एक्चुअली, मतलब हाँ, बोलो। मतलब थोड़ा सा वो बहुत ही वो तो आपका क्या बताऊं, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था। क्या प्रॉब्लम? बहुत लो फील होता है, पढ़ाई वढ़ाई तो हो ही नहीं रहा है एंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड सा हो गया हूँ। अच्छा तो अभी तो एग्जाम खत्म हो गया है ना? एग्जाम हाँ ऑलमोस्ट एक बाकी है। तो फिर अभी क्या कर, डिस्ट्रैक्शन आराम से बोल एग्जाम दो और चिल करो अभी दो महीना। एग्जाम तो गया ही नहीं ना अच्छा कुछ भी, तो पास तो हो जाएगा शक है। क्यों इतना खराब गया है? हाँ तो एकदम पता है क्या करो, घर में बोल दो कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया। हाँ और मस्त पढ़ाई करने बैठ जाओ। क्या पढ़ू और तो कुछ पढ़ना है ही नहीं, क्या पढ़ू अब? एक सेकंड में ब्रेक लगाओ। हेलो हेलो। हाँ हम बोल रहे हैं कि तेरे घर मतलब बहुत ज्यादा खराब एग्जाम गया है। एक ही एग्जाम अच्छा सा गया है थोड़ा, बाकी सब तो खराब से ही गए। ऐसा थोड़ी है, 12th में तो पास हो ही जाता है, ऐसा थोड़ी पास नहीं होगा। पास का तो पता नहीं, देख 12th में पास होने से मतलब है ठीक है, कॉलेज मिल जाता है तेरे को। क्या कॉलेज है? अच्छा तेरा वो है साइंस लिया है ना तुम? हाँ तो फिर क्या सोचा है बता, पहले अच्छे से मैं बता क्या करना है, क्या चाहता है, सबसे मैं बताएगा ना। करना तो मेरे को डिजाइनिंग है, बट उसके डिजाइन लिए हाँ फैशन? फैशन नहीं ग्राफिक। अच्छा ग्राफिक डिजाइन। तो उसके लिए भी मोटिवेशन नहीं आया कि कैसे पढ़ू उसके लिए, कैसे करूँ ना करूँ। अभी तो मतलब बहुत, पहले तो मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था, अभी तो वो भी नहीं होता। गाना वाना गा रहा था वो भी कुछ नहीं हो रहा। और क्यों नहीं हो डिस्ट्रैक्शन रहा है? अपना एक डायरी बना ठीक है, एकदम स्ट्रेट बता रहे हैं तेरे को, एक डायरी बना और तेरे को जो भी चाहता है तो अपने आप को 5 साल के बाद देखना ठीक है, वो सब लिख एंड फिर वो सब देखे बोल अगर तेरे को क्या क्या करना चाहिए अभी जो तू ये सब अपना ड्रीम को अचीव कर सकता है राइट। ठीक है तो तेरे को एकदम क्लैरिटी मिलेगा कि तुम सच में जेन्युइनली अपने लाइफ से क्या चाहता है। अगर तुम लिखने बैठेगा ना तब तेरे को समझ आएगा कि तुम सच में ये चाहता है, डायरी बस तो मैंने लिखा सोचेगा था ना। बट वो बस कुछ ही दिन, 2-3 दिन लिखा फिर वापस। हम तेरे को डायरी डेली लिखने नहीं बोल रहे, हम तेरे को एक जगह एक पेज में लिखने ये बोल रहे हैं कि तू लिख तेरे को चाहिए क्या, तू करना क्या चाहता है, अपने आप को रिमाइंड करा। और जब भी कुछ अलग ट्रैक लगता है तो लगता है कि अगर हम ये सब कर रहे हैं, अगर हम फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो क्या मेरा ये टाइम वेस्ट से मेरा वो 5 साल अलग अचीव हो जाएगा? समझ आ रहे हैं? तो सबसे पहले ये काम कर कि अपना, क्योंकि तेरे को एक पेज में लिखता है ना कि व्हाट यू वांट, तो तेरा गोल तेरा माइंड बस क्लियर होता है कि तेरे को यही चाहिए ना, तू क्लियर है। अगर नहीं लिख के रखेगा नहीं तो बस दिमाग में बहुत कुछ रहता है, तो दिमाग में सब कुछ लिख चुके रहता है तो समझ नहीं आता कि करे क्या, कि चाहिए क्या। डांस भी करना है, म्यूजिक भी है, तेरा प्रायोरिटी देख कि तेरे को क्या फर्स्ट में चाहिए। पहले सबसे पहले तेरा प्रायोरिटी अभी करियर है राइट। हाँ राइट। तो ग्राफिक डिजाइनिंग तेरे को करना है, तू बहुत सॉर्टेड है इस चीज को लेके। तो बस उस चीज में तेरे को कहाँ से कोर्स करना है, कैसे करना है, देख अच्छा फ्रेश कोर्स लेगा 12th का पढ़ाई बाहर में जाए। अब जो पढ़ाई लेगा उसको कैसे फ्रेश होगा, सब कुछ नया होगा तेरे लिए, तो इंटरेस्ट भी रहेगा। बस उस इंटरेस्ट को कंटिन्यू रखना एकदम अच्छे से पढ़ाई करके, टाइम टेबल बना के। बाहर जाने का प्लान है? कहाँ? अहमदाबाद। सही है, तो जगह अच्छा जगह भी जा रहा है, पेरेंट्स भी तेरे को भेज रहे, तो सोच नया जगह जाएगा नया। तो हाँ तू बोल पहले। बस इसी रिजल्ट से, रिजल्ट का ही चिंता भी सता रहा है कि अगर मिनिमम मार्क्स भी नहीं आए तब तो दिक्कत ही हो जाएगा। तो देखो एक साल का बैग सबको लगता है और ये बहुत नॉर्मल है, पता है सब कुछ हाइप कर रखा है दुनिया में कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर तेरे को देख अभी तो तुम कुछ नहीं कर सकता एग्जाम के रिजल्ट के पहले राइट। हाँ बिल्कुल। उसके पहले तुम एक्सप्लोर कर सकते कि व्हाट यू वांट, तुम अपना डांस कर, गाना गा, अपना सोशल मीडिया को चमका थोड़ा, अपना एक्सरसाइज कर ठीक है, एकदम कूल रहे क्योंकि इतना दिन से पढ़ पढ़ के सबको प्रेशर है। तो दो महीना जब भी रिजल्ट को टाइम है एकदम चिल करके, एकदम चिल करके रहे। जिस दिन रिजल्ट आएगा बहुत सॉर्टेड रहना कि तेरे को अगर एक पेपर ले एक साइड लिख, अगर रिजल्ट आया और हम पास हो गया तो मेरे को क्या करना है, मेरे को तुरंत अहमदाबाद शिफ्ट होना है, मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है ठीक है। ठीक है। एक जगह लिख के तेरे को अगर रिजल्ट नहीं आया तब तेरे को क्या करना है, तब
पर हर टाइम लाइफ में दोनों चीज के लिए प्रिपेयर है, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ, क्योंकि सब कुछ लेके चलना होता है लाइफ में राइट. तो जब तुम नेगेटिव साइड पे लेके जाना तेरे को बस क्लियर होगा कि अगर मेरे को नहीं आना तो अगर जिस दिन रिजल्ट फेल होगा ना तो उस दिन तेरे को ये पता रहेगा कि मेरे को करना क्या है आगे. अगर तुम बस पॉजिटिव लेके चलेगा तो तेरे को पता, और अगर तू फेल हो गया और बस पॉजिटिव लेके चलेगा तो तू बहुत नम सा हो जाएगा कि अब हम क्या करें. बट अगर तेरा माइंड सेट होगा कि मेरे को ये सब करना है आफ्टर फेलियर, तो बहुत क्लियर, बहुत इजी लगेगा कि चल अब मेरे को ये करना है. समझा? हम मेरा सीए ना नहीं निकला तो हम बहुत इम्पोर्टेंट था कि अगर मैं निकल गया तो बैंगलोर चला जाएगा, अगर मैं नहीं निकला तो हम पढ़ने बैठ जाएगा. हम दो दिन का ब्रेक लिया और हम चिल पढ़ने बैठ गया, क्योंकि मेरे को पता था उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है. तो अपने आप को वैसे ही समझा के रख. ठीक है, तो बस डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करो, जैसा कि आजकल मतलब गेम भी बहुत ज्यादा खेल रहा हूँ उससे मतलब हट ही नहीं पा रहा हूँ. मोटिवेशन तो आता है पढ़ने का बट वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा. कि गेम को बंद करके रख दे, जो भी तेरा सेट है, जो भी टीवी, जो जिसमें भी खेलता है, एकदम बंद करके रख दे जब तक एग्जाम है. अगर बंद करके ऐसा जगह पे रख दे जहाँ पे तेरे को आलस आए निकालने में, और जब वो चीज आ जाएगा ना तो तेरे को मन नहीं करेगा. थोड़ा अवॉइड कर, थोड़ा फोन अवॉइड कर. हम सबसे पहले एग्जाम टाइम सोशल मीडिया हटाते हैं, ये सब हम लोग को खुद से करना पड़ता है. हम लोग को एक्शन नहीं लेगा तो काम नहीं होगा. हम सबसे पहले अपना इंस्टा डीएक्टिवेट करते हैं ताकि इंस्टा हट जाएगा, मेरा माइंड का 90% ऑफ द डिस्ट्रैक्शन हट जाता है. हाँ, वो भी तो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है. एग्जैक्टली, क्योंकि तुम वहीं पे पूरे वर्ल्ड को देखते हो, तेरे को नया आइडियाज आता है. तुम देखेगा ही नहीं तो तेरे को आएगा ही नहीं, तेरे को पता है तेरे को कहाँ फोकस करना है. हाँ बिल्कुल, इसीलिए. तो अगर मेरे को सोशल मीडिया पे, जैसे आपका यूट्यूब भी बहुत सही ग्रो कर रहा था, तो उसके लिए कोई टिप्स अगर मैं यूट्यूब करना चाहूँ तो? यूट्यूब तेरे को करना है तो हमने डांस वीडियो करता है. मतलब इतना ज्यादा सोच मत कि ना मेरे को इसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है. जब वो कर देगा ना तो चैनल बहुत लिमिटेड हो जाएगा. दिस इज इम्पोर्टेंट कि तेरा चैनल तो किस टाइप की ऑडियंस है. ठीक है, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब यू हैव अ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, एक पॉइंट ऑफ टाइम जब तक कोई लोग नहीं है तो तुमको नहीं पता है कि तुमको तुम्हारा क्या लोग को अच्छा लगेगा राइट. तो उस टाइम पे हर टाइप का वीडियो डाल, वर्कआउट, डांस, सिंगिंग, कॉमेडी वीडियो, हर टाइप का. जब तेरे को देखे ऑडियंस पे व्यूज कहाँ आ रहे थे, जो तेरे को लगा कि यू आर गुड एंड यू आर डूइंग गुड एंड तेरे को मजा भी आ रहा है, उस पे वापस उस पे लग जा कि हाँ ये कर सकता है. मजा आया? ये तो सोचा ही नहीं कभी. लिख लिए सब पॉइंट जो हम बोल रहे हैं जी. इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो, थोड़ा सा कुछ टिप्स बताओ. ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं. नहीं तो अभी आपका बात सुन के तो मेरे को मतलब इतना रश तो मेरे को संदीप महेश्वरी का वीडियो देख के भी नहीं आया कभी. क्योंकि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वो करता है क्योंकि उसको पता है लोगों को बताना पड़ेगा, और उसको पता है कि लोग तुमको मोटिवेशन लेने गया है. बट यहाँ पे हम तुमको फालतू मोटिवेशन नहीं दे रहे, हम तुमको पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं. ये भी है, हम यहाँ पे मोटिव से नहीं बोल रहे कि तुम मोटिवेट होगा, हम यहाँ पे एकदम पॉइंट पे बात कर रहे हैं. तो डिसिप्लिन कैसे लाऊं, जैसे मतलब आज तो पढ़ लिया लेकिन कल भी पढ़ना है वो चीज. क्योंकि अगर तेरे को पता है कि तेरे को तू बस ये पता है तुमको लाइफ में ना ऐसा टर्म मत बना कि मेरे को एक साल पढ़ना है. ठीक है, ऐसा मत सोच के कल अगर एग्जाम है, अगर मान ले 7 दिन बाद एग्जाम है तो बस मेरे को 7 दिन और पढ़ना है, उसके बाद का देखेंगे क्या करना है. ओके, अगर तुम सोचे ना तेरे को एक साल कंटिन्यू पढ़ना है, लाइक अगर कोई बैक लेता है एक साल कड़ाई, तो उसको लगता है कि मेरे को एक साल और पढ़ना है. ये सोच लिया ना तो वहीं पे हैवी हो गया माता. ये सोच के 7 दिन बाद एग्जाम है, 7 दिन बाद तेरा कोई पेपर है, तेरे टेस्ट है, तो मेरे को बस 7 दिन पढ़ना है इस पेपर के लिए, उसके बाद हम फ्री हैं कुछ दिन के लिए. उसके बाद जो अच्छा लगता है उस चीज के लिए ब्रेक निकाल. ठीक है, तो तो जैसे जैसे मैं अभी मतलब सिंगिंग भी कर रहा हूँ और ग्राफिक डिजाइनिंग भी, तो मेरे को किसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए? मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग तो मेरे को मतलब करना ही है, तो सिंगिंग साथ में उसको करूँ या नहीं? नहीं, ऑब्वियसली साथ में कर. हम कभी जिंदगी में किसी को नहीं बोलता कि मैं पैशन हूँ. ऑब्वियसली देखिए, पैशन में तो करियर इज इम्पोर्टेंट, पैशन इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. तो साथ में लेके चल, लाइक संडे संडे सैटरडे नाइट, फिर रात में 2 घंटा 1 घंटा ज्यादा नहीं देने बोल रहे हैं, पर 1 घंटा 2 घंटा यू कैन मैनेज इजली. हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं तो हम नॉर्मल शूट नहीं करते, बट अगर मेरा कोलैबोरेशन वीडियो होता है तो आई शूट. ठीक है, हम शूट करके सोते हैं, एडिट करके अपलोड करके सोते हैं. बट
नॉर्मल जो मेरा फैशन रिव्यूज होता है वो तो अभी से स्टार्ट किया क्योंकि मेरा एग्जाम था तो ब्रेक लिया हुआ था. तो अगेन आई एम बैक. तो उसकी वजह से अब हम तो अब हम हर संडे क्या है मेरा रूटीन है मंडे टू सैटरडे मेरा ऑफिस होता है तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है. बट संडे आई एम वेरी ऑफ. तो मॉर्निंग और मेडिटेशन क्लास जाता है, आने के बाद हम वीडियो शूट करते हैं. तो उस वीडियो को हम पूरा वीक चलाने का मेरा ऐसा प्लानिंग है. अब देखते कितना इम्प्लीमेंट होता है बट ये प्लान है. तो ऐसा जैसे आपके वीडियोस तो मतलब बहुत ही सही होते थे, मतलब बहुत ही अच्छे लगते थे. आज हमने एक पोस्ट किया. ओह सॉरी, देखा नहीं मैं एक्चुअली. ठीक है, देखूंगा. जैसे मैं वो भी वीडियो देख रहा था आपका, वो योगा वाला जो था. हाँ हाँ, योगा मेडिटेशन का. तो मैंने मेडिटेशन हल्का हल्का शुरू भी किया. अच्छा. तो वो तो अच्छा लग रहा था बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कंटिन्यू करूँ. हाँ, तो हम बताते हैं. देख ऐसा मैं सोच की तेरे को एक घंटा डेली मेडिटेशन करना चाहा, वो सोच लिया ना. पता है, जब भी सोचते हैं कि एक घंटा या कुछ बड़ा कुछ 10 दिन 100 दिन ऐसा करना है तो हम लोग उसको फर्स्ट डे में थक जाते हैं क्योंकि हम लोग के माइंड में पता है क्या प्रेशर रहता है कि हम लोग को 100 दिन उसको करना है या 1 घंटा हम लोग को जिम करना है तो 1 घंटा जिम करना है, थक जाते हैं वहीं पे हम लोग. जब तुम सोचे अंदर को बस 10 मिनट करना है यार, 10 मिनट तो तू बस लेके बैठ कि बस 10 मिनट तो करना है. 10 मिनट कर लिया, हो गया. अगर तेरे को अच्छा लग रहा है वो चीज तो 10 मिनट और कर. और अच्छा लग रहा है 10 मिनट और कर. नहीं लग रहा छोड़ देना, नेक्स्ट डे करेंगे, कल करेंगे. ठीक है. ओके. जैसे मैं फर्स्ट दिन किया मेडिटेशन तो मतलब 2 मिनट तक मेरे से अच्छे से हुआ लेकिन उसके बाद थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन लगा. ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स वेरी ओके. ठीक है, नेक्स्ट डे कर. फिर सोचा 3 मिनट करेंगे, कल 2 मिनट किया, 3 मिनट करेगा. ओके. ऐसे कभी भी स्टार्ट मत करो कि 1 घंटा आज हम बैठा है, आज ही हम सारा मेडिटेशन कर लेगा. जिस दिन वो किया ना बस उस दिन समझ लो भाई आखिरी दिन है. हम लोग समझ तो लेते हैं कि नहीं आज से हम 1 घंटा मेडिटेशन करेंगे, आज 1 घंटा एक्सरसाइज करेगा, फिर पढ़ेगा और फिर जाएगा इधर. बट जब इम्प्लीमेंट करेगा ना तुम सोचे हम 10 मिनट भी, क्योंकि तुमको लगेगा कि तुमको 1 घंटा करना है. बट जब तुम ये सोचे कि तेरे को 10 मिनट ही करना है ना तो तुम 20 मिनट करके उठेगा. ओके. सॉरी, मेरे को बहुत ज्यादा खांसी आ रही है. नहीं नहीं ठीक है, सॉरी क्या इसमें. सॉरी तीन दौरा मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको. सागर लेके आ गया, हम फ्री है. कल एक्चुअली हम 3 दिन को ऑफ ले रहा था, मेरे को थोड़ा तबियत खराब है इसलिए. वही एग्जाम तो खत्म हो गया बट वही अभी टेंशन सता रहा था कि क्या. तो देख अभी तुम यही कर सकते हैं कि तुम चिल कर सकते हैं क्योंकि ना रिजल्ट तुम्हारे हाथ में, ना तुम अब आंसर वापस लिख सकते हो. और ना ही अभी तुमको पढ़ने का मन करेगा क्योंकि तुमको पता है एकदम पास भी कर सकते हो. राइट, कहीं ना कहीं थॉट ऑफ माइंड कहीं ना कहीं कॉर्नर में है ये चीज. तो सबसे पहला बात हम तेरे को बोले पॉजिटिव रिजल्ट को लेकर. ठीक है. ठीक है. बट एक पेपर में ये जरूर लिख के, अगर तेरा पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो व्हाट यू विल डू, नेगेटिव रिजल्ट आता है तो व्हाट यू विल डू. ये सबसे मस्ट है बिकॉज हम लोग को हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है, नेगेटिव पॉजिटिव को. बट इंडियंस का प्रॉब्लम है कि हम लोग हमेशा ऐसा पॉजिटिव सोचते हैं कि जिस दिन नेगेटिव कुछ होता है उस दिन पागल हो जाते हैं कि अब क्या करें. तो उस दिन हम लोग को कुछ नहीं दिखता अपने आपके सामने रोने के अलावा. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. वाह, ये तो बड़ा पते का बात बताया आपने दीदी. पहले कॉल करना, एग्जाम के पहले कॉल करते तो शायद अच्छा मार्क्स भी आ जाता. नहीं कोई बात नहीं, जो होता है अच्छी चीज होता है. हाँ वही वही सोच के मैं अभी जिंदा हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है. ये सच नहीं, ये लाइन बस अपना ले कि अगर कुछ नेगेटिव भी आया ना तो सोच बस अच्छा है, अच्छा ही है. तो तेरे को उसका नेगेटिव जो हुआ है ना वो भी पॉजिटिव टर्न होता हुआ नजर आएगा. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है. तो दी बस और कोई टिप जो काम आए. सबसे पहला कि अभी 2 महीने जब तक रिजल्ट नहीं आता एकदम चिल रहे, अपने पैशन को फॉलो कर. जितना एक्सरसाइज कर सकता है, डांस कर सकता है, जो मन है बस वो कर, घूम फिर तो ट्रिप पे चले जा रहे. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, एक सेकेंड में हाँ, सेकेंड थिंग कि तुम बस इस चीज के लिए प्रिपेयर है कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट इन माइंड को पॉजिटिव रहा कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा बिकॉज यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक. राइट. तो वो बट नेगेटिव हम सच बता रहे, नेगेटिव में लिख के रख. अगर तेरे को नेगेटिव आता तो 1 साल बाद एग्जाम देगा ना 12th का. तो 1 साल बाद तेरे को 1 साल कैसे पढ़ना है, तेरे को ट्यूशन लेना है, तेरे को नहीं लेना है, क्या पढ़ना है, नया अमेंडमेंट आया क्या है, जो भी तेरा है सिलेबस. बस पॉजिटिव रहे कि हाँ ठीक है हम पढ़ लेगा, अगर हम उस समय मेहनत नहीं किया तो मेरे को कभी ना कभी तो मेहनत करना पड़ेगा ना. तो हम अभी करेगा, मेरे को कॉल कर लेगा. ठीक है. बट ये हमेशा सोच के रखे अगर मेरा नेगेटिव आया तो मेरे को पढ़ना है वापस, अगर मेरा पॉजिटिव आया तो आई एम गोइंग टू अहमदाबाद. एकदम सॉर्टेड.
एकदम समझ आया? हाँ नहीं बहुत नॉर्मल है, फेलियर नहीं होगा ना, तो जो पास होता है ना उसका भी वैल्यू पता नहीं चल रहा है। हाँ ये तो है। हम सीए में फेल हुआ, उसके बाद हम पास हुआ, तो मेरे को वैल्यू पता है, और हम वैल्यू अपना भी और हम सामने वाला जो सीए बनेगा ना हाँ उसका वैल्यू ज्यादा कर पाएगा। पहले हम नहीं हाँ करता था, मेरे को लगता था बच्चा पढ़ता नहीं है फिर फेल होता है। जब हम खुद फेल हुआ तो आई रियलाइज कि नहीं बेटा, बच्चा पढ़ता है बट फेल होता है, तो ऐसा चीज है। ठीक है, बाप रे, ये भी तो कि आप सब हाई लेवल लेवल वाली बातें कर रही हो, मतलब सब मतलब एकदम तो मतलब पॉइंट वाली बातें हैं, हिट भी कर रहा है सब कुछ। थैंक यू दी, इतना सारा हेल्प पागल करने के लिए। है क्या? पागल तो था नहीं बट हो गया हूँ, बट अभी लग रहा है मतलब होप्स आर देयर मे बी। वो हर चीज में बस ढूंढने और कमी, और ऐसा कुछ नहीं है कि नो सब होता है। हम तो रोते रहते हैं 15 दिन, 15 दिन होता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बट एक पॉइंट आता है कि ठीक है यार, ये स्टेज है, हमेशा अप्स एंड डाउन तो होते रहता है ना। ऐसा कोई इंसान नहीं दुनिया में जो हमेशा खुश रहता है, कोई नहीं, ये बहुत बस नॉर्मल है। हम लोग को लगता है, हम लोग एक्चुअली बस सोशल मीडिया देखता है, यूट्यूब देखता है, तो हम लोग को लगता है भाई इंसान कितना खुश है। हम लोग जो ब्लॉग देखते रहे, हाँ हम लोग इंसान कितना खुश है, 24/7 का ब्लॉग है इसका, बट तेरे को नहीं पता उसमें कितना एडिट है, वो बस 10 मिनट दिखाया है तेरे को, ये भी है। उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम लोग कितना खुश होते हैं कि सोशल मीडिया में डेली इतना अच्छा अच्छा पोस्ट करता है, बाद में पता चलता है इसके लाइफ में तो ये हो रहा था, देखता नहीं है कितना कुछ होता है। तो वो सब से सीख, सब रो रहा है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, बस हम लोग ही नहीं है, सही और बात सब उसे डील कर रहा है, बट हम लोग को बस वही दिखाया जाता है जो अच्छा है, है। ओ क्योंकि लोग जज करते हैं अगर तुम सामने रोएगा तो, क्यों रोना है सबके सामने, तुम खुशी देखो बेटा, तुम देखो खुशी जो दुखे हम खुद सॉर्ट करेगा। हाँ वही। इसीलिए और दीदी एक लास्ट और थोड़ा सा ज्यादा सा हाँ हाँ इम्पोर्टेंट है, बोल बोल। हाउ टू हैंडल रिजेक्शन। तेरे को पता है एक बात, हम अभी आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ है ना, हम वॉलंटियर है, तो हम वॉलंटियर है, हम आर्ट ऑफ लिविंग एक प्रोग्राम चलता है, मेडिटेशन सिखाते हैं, करवाते हैं, बहुत सारे गेमिंग होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग का एक कोर्स हुआ, टास्क हुआ था, 40 पीपल हम लोग नीचे बैठे हुए थे, एक पीपल ऊपर टेबल पे चेयर पे, ठीक है, मान लिया हम चेयर पे बैठे हुए, 40 लोग मेरे सामने नीचे बैठे हुए, एंड हाँ दे विल क्रिटिसाइज मी, एंड ओके आई हैव टू हैंडल, एंड देन आई हैव टू क्रिटिसाइज माई सेल्फ कि मेरे को ये लोग क्या छोड़ दिया, तो मेरा बच्चा है, हम अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और ये लिटरली बता रहे लेजिट, 40 लोग मेरे को क्रिटिसाइज किया है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट है, एटीट्यूड है, घमंडी है, हस्ती ज्यादा है, ये वो, ठीक है, हाँ एंड लोगों को फर्क नहीं पड़ा, एंड उसके बाद से मेरे को घंटा ही फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम 40 लोगों को क्रिटिसाइज झेल चुका है मुंह के सामने, फेस टू फेस, हम मेरे को नेगेटिव कमेंट, किसी का रिजेक्शन, क्या ही फर्क पड़ता है। तुम बस ये सोच के तुम दुनिया में 7 बिलियन पीपल को खुश नहीं रख सकता है, नहीं, तुम सबको खुश नहीं रख सकता इस दुनिया में, तुम सबको खुश रखने के लिए नहीं आए हैं, हाँ समझ आया? हाँ जो लोग मैटर करता है उसको खुश रख, ओके और उसको भी तुम एक लिमिट तक ही खुश रख सकता है। सबसे पहले एक बात बता, अपने आप को खुश रख, अपने आप को एक्सेप्ट कर जैसा है, जिस दिन तुम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेगा ना, उस दिन तेरे को सामने वाले का रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यू लाफ अलाउट तो इट्स ओके, ये मेरा प्रॉब्लम है या मेरा अच्छा ही है, आई लाफ अलाउट इट्स गुड फॉर मी, हु द हेल यू आर जो मेरे को बोलेगा यू लाफ अलॉट और चेंज योर स्माइल और वट एवर, हाँ समझ आया? हाँ फर्स्ट बस एक्सेप्ट योर सेल्फ। हाँ बोल। ओके। जैसे मतलब एक मतलब कुछ एक नेगेटिव सा भी छोटा सा कमेंट आ जाए तो मतलब थोड़ा ज्यादा ही हर्ट कर जाता है। हाँ तो ठीक है, तो ओके, तुम सबको खुश करने के लिए नहीं बैठा है भाई, उसका चॉइस है, वो उसका ब्रॉटअप है, तो उसको वो चीज नहीं पसंद आया, इट्स वेरी ओके। सब ऐसे तुम अपना जो पैशन फॉलो कर रहे हो तुम लोगों के लिए थोड़ी कर रहे हो, तुम अपने लिए कर रहे हो, बिकॉज यू लाइक इट, इसलिए नहीं कि वो उसको पसंद आएगा या नहीं। हम आज वीडियो डाला, मेरे कोई फ्रेंड का कॉल आया कि तेरा पेट ज्यादा मोटा लग रहा है, हम बोले मेरे को पसंद आया, हम डाल दिया, अब हम तो बोलते डिलीट कर, मतलब हम भी डिलीट कर, मेरे को अच्छा लग रहा है वो वीडियो, हमको पता है ना पेट ज्यादा दिख रहा है, तो ओके। ये मेरे को पता है कोई बोलता तो मैं तो मतलब कितना ओवर थिंकिंग वाले प्रोसेस में चल जाता। हम उसको लिटरली बोला कि हम डिलीट नहीं करेगा क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है, आज ही का बात है, अभी रात का 10 बजे,
ठीक है, तुम तब को खुश कम नहीं बैठा है, बस यही रियलाइजेशन हो जाए। कुछ अच्छा चीज अगर तुम अगर अच्छा समझ रहे हो, तुम बुक्का थोड़ी, अगर तुमको कुछ अच्छा लग रहा है तो वो अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है और तुम्हारे लोग को अच्छा लगेगा वो, तो डाल। तेरे को सबका उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, ओके। और ये चीज तेरे को अपने आप को बोलना पड़ेगा, ये एक्सपीरियंस देखेगा। अब तुम सोचेगा कि अपने आप बदलेगा या वैसा थिंकिंग अपने आप को बोल बोल के लाओ कि हम अपने लिए ये चीज डाल रहे हैं, सामने वाले के लिए नहीं डाल रहे हैं। तुमको पसंद आए तो तुम डाल दिया। अब कोई लड़की को प्रपोज किया तो वो तेरे को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है भाई, कोई और आएगी, उसको नहीं पसंद है, तुम एक्सेप्ट कर लो कि तो उसको नहीं पसंद है, उसके उसके फीलिंग्स का इमोशन पर एक्सपेक्ट कर दो कि ठीक है वो मेरे को नहीं पसंद, उसको जबरदस्ती तो नहीं रख सकता ना। खत्म, ठीक है, बहुत हेल्प कर रहा है ये सब, हिट कर रहा है, ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम ऑल। ये राइट करो, राइट करेगा ना तो तेरे को याद रहेगा, बोल के अभी हम बोला तेरे कान से निकल जाएगा, आधा बात रह जाएगा, दो दिन बाद तुम्हारा सारा बात निकल जाएगा। अब भी मैं लिख के रखेगा ना तो कभी ना कभी ओपन करेगा तो रिमाइंड करता रहेगा ये सब चीज। रिमाइंड योर सेल्फ कि तुम सबको खुश करने नहीं बैठा है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये चीज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। देखो सच में लोग इतना नेगेटिव है आजकल, और वो लोग की वजह से हम लोग क्यों नेगेटिव हो भाई, जो पॉजिटिव इंसान है वो है। मेरे को भी कमेंट तो भाई यूट्यूब कमेंट्स इतना हर्ट करता था, हम तो ना लिटरली किसी किसी को तो बोल देते था। हाँ भाई, हम भी पोस्ट किया कुछ वीडियो यूट्यूब पे, तो मतलब दूर के नहीं, जो अननोन वो तो क्रिटिसाइज किए ही पहले, बट अपने फ्रेंड्स लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो देख आज जो क्रिटिसाइज कर रहे ना, कल जब तुमको चेक कर लेगा ना तो भाई लोग आगे, ये भी समझ आया, तुम खुद खुद सोच, आज कुछ नहीं है, इट्स ओके, आज लोग क्रिटिसाइज करेंगे, जिस दिन हो जाएगा ना, तुम कितना ही क्रिंज कंटेंट डालो भाई लोग सपोर्ट करेंगे। हाँ ये तो है, ये तो दिखता है आजकल सोशल मीडिया पर, ये रियलिटी है, तो इसको एक्सेप्ट कर। बात ही बहुत पॉजिटिव सा फील हो रहा है, मतलब क्या ही बताओ, रिजल्ट तो मतलब कोई टेंशन ही नहीं हो रहा उसका। एक सेकंड, मतलब अब तो मतलब रिजल्ट का तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, मतलब सिर्फ इम्प्लीमेंट करना, जो जो बोला आपने। एग्जैक्टली, क्योंकि रिजल्ट अब तुम्हारे हाथ में नहीं है, और जो दिन आएगा उस दिन देखा जाएगा। जब तक तुम्हारे हाथ में 2 महीना है तुम उसको एंजॉय करो, क्योंकि अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो तेरे को मेहनत ही करना है, तो अभी 2 महीना क्यों स्ट्रेस ले रहा है भाई। और अब जो एग्जाम है उसके लिए अच्छे से तैयारी करो ताकि वो पेपर निकल जाए या जो भी। हाँ, अब तो एंट्रेंस है डायरेक्ट डिजाइनिंग का। हाँ, तो वो सब में मेहनत करो, एक्सप्लोर करो, यूट्यूब पे देखो ग्राफिक डिजाइन में क्या क्या होता है, क्या और सीखना चाहता है, जो भी एक्स्ट्रा कोर्सेज होता है, क्या क्या तेरे को और नॉलेज गेन करने का काम है, सब नॉलेज गेन करो अच्छे से, क्योंकि यू हैव इंटरनेट, यू हैव फोन, यू हैव टाइम, सो यूज इट। थैंक यू दी, मतलब बहुत हेल्पफुल रहा ये कॉल, याद रहेगी, वापस कॉल करना जिस दिन लो फिर। बट अब एक चीज बताना है, जो भी है। हाँ बोलो बोलो। सॉरी दी, बट इट वाज अ प्रैंक कॉल। अरे पगले है क्या, प्रॉपर वाला, इट्स ओके, हम समझ गया। बट ट्रस्ट मी, मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना अच्छा, मतलब मैं लिटरली पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, मतलब मेरे को क्या बताऊँ, सॉरी मैं झूठ बोला इतना सारा, बट सारे एग्जाम अच्छे गए। क्या बोलता इंसान है तुम, एकदम ही बोलता। एक्सट्रीमली सॉरी, बट जस्ट इंसान कॉल था। हाँ भाई, जैसा कॉल था नहीं, अच्छा छोटा है तुम लोग एकदम बाहर। नहीं बहुत कुछ, लिटरली बहुत कुछ, मतलब मैं तो भाई मतलब इतना खुश हूँ, मैं खड़ा होकर नाच रहा हूँ इधर, मतलब चलते चलते। मतलब मेरे को ना एक एक मोमेंट ऐसा गया था कि मेरे को लग रहा था ये लिटरली कोई प्रैंक कॉल नहीं है, आई एम मतलब सब किसी का प्रॉब्लम आई एम डिस्कसिंग विथ यू, ऐसा लग रहा था। एंड किसी किसी पॉइंट पे तो मतलब बहुत कुछ हेल्प भी करेगा, आई एम प्रिटी श्योर। बापरे, ये हाँ, बट ये वाले पॉइंट्स रियल थे, ये रिजेक्शन वाले और ये सब, ये एक्सेप्टेंस जो लास्ट में बताया।
एग्जाम सारे अच्छे गए, मैं बस कुछ तो बेटा ठीक है, बस जाके पॉजिटिव आराम से जाओ अहमदाबाद आज करूँ। थैंक यू दी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बताएगा तुमको। सो सॉरी पता मेरे को इतना बुरा लगा वो पहला वाला कॉल जो हो ना, मतलब मेरे को बुरा लगा कि इतना गंदा इम्प्रेशन पड़ेगा, ये क्या ही कॉल हो रहा है, क्यों कर रहा है, बट फिर वो फ्लो फ्लो में ये प्रैंक अच्छा था, ये प्रैंक अच्छा था इसको तो अच्छा था ना। ओ थैंक यू पर तेरे को ज्ञान का ही गंगा बा। हाँ, वेस्ट नहीं होगा ये ज्ञान, ज्यादा तो ज्ञान नहीं दिया ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं एकदम एकदम सब एकदम। अब मेरे को लग रहा है ज्यादा बोल दिया। ना 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 एकदम, मतलब अभी आपने ऐसा ज्ञान दिया कि कोई अगर स्टेज पे है तो आई मतलब मैं खुद उसको इतना इंस्पायर कर सकता हूँ, मतलब ऐसा फील हो रहा है मतलब ये लाइंस बता के। बाबरे थैंक यू दी, चलो ठीक है, चलो जैसा को कॉल करके बताते हैं फिर थोड़ा। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।